तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाऊंगी अमरेश पुरी जी का ये वाला आर्ट, देख सकते हो जो कुछ इस तरह लग रही है। तो इसका मैं आर्ट वर्क बनाऊंगी जो वाटर कलर से, तो देख सकते हो मैंने आउटलाइन बना लिया है जो इस तरह लग रही है। देखते हैं कैसे हो पाता है मेरा ये वाला आर्ट वर्क। वाटर कलर से मैं ये वाला आर्ट वर्क बनाऊंगी जो ये वाला वाटर कलर है, एक बहुत ही चीप प्राइस का है, तो इससे मैं बनाऊंगी। तो देखते हैं एंड तक कि कैसे हो पाता है, और एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा, तो देखिए और एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी ने खूब कहा है कि पोती भाव की कभी एंड नहीं होती, वरना मैं इस आदमी का आर्ट वर्क नहीं बना रहे होती। तो देखिए, मैं इसमें पहले से एक शेप दे रहा हूँ, फिर लेयर बाय लेयर डालते रहूँगी। तो देखिए, आप भी ट्राई कर सकते हैं इसी तरह। तो देख सकते हो, पहले मैं बहुत ही हल्के से कलर को डाला, फिर दूसरे लेयर दे रहा हूँ उससे ज़्यादा, और उससे लेयर से ज़्यादा कलर डाल रहा हूँ। तो देखिए जो इस तरह हो रही है। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप देख के इसी तरह ट्राई कर सकते हो, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ समाधान देने का, और आप अगर इसी तरह आर्ट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना कि, और आप किस तरह वीडियो देखना चाहते हो हमसे वो भी कमेंट करके बताना। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उसी तरह वीडियो बनाने के लिए। और जो ये वाला आर्ट देख रहे हो, ये बहुत ही टफ था। ये बनाने में मुझे 2 दिन लगा, और आप जो पेज देख रही हो ये वो A4 साइज का पेज है, इसलिए बहुत ही दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो पेज है वो A4 साइज का, वो जेरोक्स होता है ना, वो वाला पेपर है, तो उसमें बहुत ही जो पेपर है वो सिकुड़ जा रही थी, इसलिए बहुत ही दिक्कत हो रही। तो कोई बात नहीं, किसी तरह भी आर्ट वर्क कम्प्लीट कर पाया। तो देख सकते हो जो फाइनल वर्क है इसी तरह लग रही है। तो आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।